हे व्हाट्सअप गाइस, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली उन लोगों के लिए जो बेसिकली एनवीडिया इमेज स्केलिंग यूज़ करते हैं। तो एनवीडिया इमेज स्केलिंग कैसे यूज़ करनी है उस पर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बताया कि एनवीडिया इमेज स्केलिंग को कैसे इनेबल करना है। लेकिन इनेबल करने के बाद कुछ यूज़र्स को प्रॉब्लम आ रही है कि उनका जो रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज़ पे लॉक हुआ जा रहा है या 60 हर्ट्ज़ के नीचे ही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करोगे। बहुत ही बेसिक स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना, उसके बाद जो आपका 60 हर्ट्ज है जो लॉक रहता है वो फाइनली फिक्स हो जाएगा। यानी आपके जो डेस्कटॉप का मॉनिटर का जितने भी रिफ्रेश रेट है 144 हर्ट्ज है या 120 हर्ट्ज है, तो आप उस पर आराम से गेमिंग कर पाओगे। तो उसको कैसे फिक्स करना है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस, इसको फिक्स करने से पहले मैं अपने GeForce Experience के अंदर यहाँ पर सेटिंग में NVIDIA इमेज स्केलिंग को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, NVIDIA इमेज स्केलिंग मेरा हो गया है ऑन। देन उसके बाद गाइस मैं ऐसे कर दूंगा मिनिमाइज, तो आप कर सकते हो या कार्ड भी सकते हो। देन उसके बाद पहला जो स्टेप है, बेसिक स्टेप है, इसको कैसे फिक्स करना अगर आपका 60 हर्ट्ज़ पे लॉक हो जाता। तो फर्स्ट आपको जाना यहाँ पे, NVIDIA कंट्रोल पैनल है, NVIDIA कंट्रोल पैनल ओपन करना है। देन उसके बाद ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको चेंज रेजोल्यूशन में जाना है और आपका जो मॉनिटर का नेटिव रेजोल्यूशन है उसको ही यहीं पे सेलेक्ट करिएगा, उसके अलावा कोई रेजोल्यूशन पे क्लिक मत करिएगा। ठीक है, देन उसके बाद आप यहाँ से अपना मॉनिटर का रेजोल्यूशन रिफ्रेश रेट को चेंज कर सकते हो सिंपली। ठीक है, आपके पास यहाँ पे अगर ज़्यादा रिफ्रेश रेट है तो शो करेगा, आप उस अपने हिसाब से यहाँ से उसका रिफ्रेश रेट को चेंज कर सकते हो। ठीक है, पहला स्टेप तो ये हो गया। अगर इससे भी आपका फिक्स नहीं होता है तो दूसरा स्टेप है हमारे पास कि आपको सिंपली राइट क्लिक करना है, डिस्प्ले सेटिंग में जाना है और डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली एडवांस डिस्प्ले में जाना है। एडवांस डिस्प्ले में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे सिंपली अपना जो भी हर्ट्स है उसको सेलेक्ट कर लेना है और अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे हर्ट्स दिखा रहा है, सिंपली आपको जो भी हाईएस्ट हर्ट्स है आपके मॉनिटर में उसको सेलेक्ट कर लेना है और आपका फिक्स हो जाएगा। देन उसके बाद जो तीसरा स्टेप है गाइस, वो है कि आपको सिंपली अपना जो NVIDIA का ये ड्राइवर है इसको अनइंस्टॉल कर देना है, इसके अलावा कोई कारण नहीं। अगर दोनों से फिक्स नहीं होता है तो सिंपली इसको अनइंस्टॉल कर देना है, फिर से रीइंस्टॉल करना है, यानी इस ड्राइवर को अनइंस्टॉल करना है, देन उसके बाद फिर से रीइंस्टॉल करना है। ओके, ये दो तीनों स्टेप्स में आपका 100% ये चीज़ फिक्स हो जाएगी। अब मैं आपको गेम ओपन करके भी दिखा देता हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ कि मेरा यहाँ पे इमेज स्केलिंग है ऑन, तो सिंपली मैं चेक करा देता हूँ कि ये देखिए इमेज स्केलिंग ऑन है। देन उसके बाद यहाँ पे मैं गेम ओपन करता हूँ अपना फार क्राई। तो गाइस गेम हो गया ऑन। अब मैं जाता हूँ ऑप्शन में, अभी मैं दिखा दूँ कि ये गेम NVIDIA इमेज स्केलिंग में यूज़ कर रहा हूँ। तो वीडियो में जाऊँगा तो आप रेजोल्यूशन देख सकते हो, 1600x1900 है और यहाँ पे मैंने फुल स्क्रीन भी सेट करके रखा है। यहाँ पे रिफ्रेश रेट मेरे जो मॉनिटर का 75 हर्ट्ज है वही शो कर रहा है, उसके अलावा मैं अपने हिसाब से चेंज भी कर सकता हूँ। तो गाइस इस तरीके से अगर आपका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज पे लॉक है वगैरह लॉक है तो आप इजीली फिक्स कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग विंडोज गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में गाइस बस इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।